जानवर कुछ 5 घंटे की जो है ना मेहनत के बाद जाके अल्हम्दुलिल्लाह में मिल गया जानवर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं, मज़े में जिंदाबाद। अच्छा जी, तो आज है हफ्ते का दिन और अब बकराईद में सिर्फ एक दिन रह गया और आज हम लोग अपना जानवर लेने के लिए आ गए क्योंकि आपको पता है बारिश है जिस कदर चल रही है ना अभी, तो कराची की हालत ख़राब है, तो इसलिए हम लोगों ने पहले जानवर लिया नहीं। इस बार बहुत लेट ले रहे हैं और कभी इससे पहले मतलब इतना लेट लिया नहीं है, लेकिन इस बार लेट ले रहे हैं। खैर अभी हम लोग आएँ, अभी भी बारिश का मौसम है और गलियों में फुल पानी वानी, लेकिन लेना तो है, कल बकराईद है। तो अभी जानवर के रेट बहुत ज़्यादा हाई फाई क्योंकि हमारी रेंज इतनी होती थी पहले भी ना, एक से नीचे नीचे आ जाता था हर बार, लेकिन इस बार जो है ना एक से नीचे की तो मतलब गाय ही नहीं है, बता रहा हूँ मैं आपको, बकरे नहीं तो गाय तो दूर की बात। खैर अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं और अभी सौदे लगा रहे हैं, चाचू भी मेरे साथ हैं, इंशाल्लाह अच्छा जानवर लेंगे। तो आप लोग दुआ करते हैं अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि हम जब आते हैं ख़रीदने के लिए से तो फिर ख़रीद के आते हैं। तो अभी चलते हैं और जानवर दिखाते हैं, आपको रेट भी बताते हैं, अच्छा ब्लॉग होने वाला है इंशाल्लाह। 30। तो हम लोग जो है यार अभी मंडी नहीं गए किसी भी, ये एक जगह है मलिर कैंट के पास ना, तो यहाँ अच्छे खासे जानवर अभी लगे हुए हैं, तो एक जगह मतलब फार्म टाइप है, तो हमने पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पसंद आ जाए तो, लेकिन यहाँ पे रेट हैं एक तरीके से फिक्स वाले रेट हैं, क्योंकि आपको पता है कैंट का तो जो बोलते हैं वो 10-20 नीचे बस उससे नीचे नहीं आते, तो ये वाला सीन है। खैर अभी देख रहे हैं, कौन से क्या लोग हैं, ब्राउन वाली और उम्र भी आया है, उम्र ने मास्क ऐसा लगा लिया जैसे बस फुल बर्गर। तो यार हम लोग आ गए थे मलिर मंडी, यहाँ बनाएंगे इंशाल्लाह सौदा। एक चीज बोल रहे हैं भाई इसके, अरे एक चीज बोलने पसंद आ रहा है, हमें अच्छा बन नहीं रहा है, हालत खराब हो रही है, बहुत रश हो गया, आखिरी दिन है ना आज। ये जानवर पसंद आ रहा है भाई अभी, लेकिन इसके बोल रहे 170 फाइनल, बहुत खूबसूरत जानवर है, इसके आगे वाला सेम टू सेम ऐसी उसकी भी 170 बोल रहे हैं, अभी देखते हैं क्या बनता है फाइनल रेट, बाटा रेट चल रहे हैं, बाटा रेट। ऐसे हम लोग मंडियों में चलते हैं यार 4-5 घंटे, लेकिन आज नहीं चला, चलो हालत दूर ही है ना मंडियों में, बहुत बुरी हालत है भाई, गाँव में चलने की जगह ही नहीं है, मिल जाए जानवर और फटाफट से घर जाए। अच्छा जी, तो अभी हम लोगों ने पी लिए चाय और अभी हम लोग थोड़ा सा हो गए चार्ज, अब दोबारा जा रहे हैं इस रश के अंदर और जाके जानवर ढूंढते हैं अपना। अभी हमारा माइंड चेंज हो रहा है, हम चाह रहे कि एक जानवर छोटा लेके एक बकरा ले लें, वरना जानवर जो है ना वो 30-40 का तो हमें चाहिए, लेकिन जो है ना वो बहुत हाई फाई हुआ है। यार अभी देखते हैं, हमारा अभी जो माइंड बने ना उस हिसाब से चलते हैं। ख़राब हो गई है, कोई रास्ता ही नहीं है, चप्पल मेरी अटक चुकी है। अच्छा जी, तो फाइनली यार अल्हम्दुलिल्लाह अभी जानवर तो पसंद आ गया और अभी हमने इसको पसंद कर लिया, साथ में एक बकरा भी देखने आ गए अभी साथ के, ये बकरे भी आ गई हैं, कोई 4 घंटे लग गए हमें आए हुए मंडी और, लेकिन खैर अभी जानवर पसंद आ गई है और अभी आपको दिखाते हैं, अभी वो वहाँ खड़ा हुआ है, थोड़ा बयाना कर दिया हमने, अभी हम बकरा देखेंगे और दोनों चीज़ें हो जाएंगी, मतलब अभी अभी यहीं हाथियात बन गया, एक बकरा भी लेते हैं। चालीस का बता रहे हैं, 40 का बता रहे हैं, बकरे भी ऐसे हुए हैं फुल हैवी, हो गया भाई बकरे का सौदा भी चल रहा है, 1-2 हज़ार रुपये अटका हुआ। जल्दी ले लिया और अच्छा मिल गया, 45 बोल रहा था बकरे के, 35 का लिया, लेकिन बकरा माशाल्लाह बहुत अच्छा है और हैवी है, 18-20 किलो का बकरा है। आजा भाई बकरे, बकरा बड़ा तंग कर रहा है, बकरे को संभालो थोड़ा, इधर से हटो भाई, बकरा पकड़ लोगे, ये लो खोलो रस्सी खोलो, बकरा पकड़ लो भाई, जानवर अनलोड हो रहा भाई, फुल हैवी सीन चल रहा है यहाँ पे, वो देखो भाई क्या बात है,
चलो भाई माशाल्लाह, देख के भाई लकड़ी पकड़। चलो भाई माशाल्लाह, हाँ पकड़ा संभाल के रहो। फुल हाड़ा उड़ी चल रही है भाई यहाँ पे, तो हाड़ा उड़ी चल रही है और जानवर देखे पीछे पे लगने वाले हो रहा है। मुझे मैं आके गुजर यार कुछ 5 घंटे की जो है ना मेहनत के बाद जाके अलहमदुल्ला में मिल गया जानवर, है और साथ में ही बकरा भी मिल गया और ये कि अभी तक यहाँ पे बच्चे की फुल हो रही है तो उसकी वजह से जो है सही नजर नहीं आया। घर पे आगे इसमें जब साफ सुथरा भाई देखिए सही है, वो जानवर है यार। मैंने आपको बोला था ना मैं दिला दूंगा आपको, टेंशन तो नहीं है। बोला था आपने दिला दिया सही है। तो मच्छर 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 मार रहे थे ना, क्या बात कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है बकरा ईद का टाइम करीब आता जा रहा है, मंडी में रश बहुत ज़्यादा लग रहा है अभी। और अभी आपको मैं दिखाऊँ अगर तो बिल्कुल मतलब पाँव रखने की जगह नहीं है। ये देखें आप रश चेक करें सिर्फ चारों तरफ, और ये मंडी नहीं है, मंडी बहुत आगे है, ये सिर्फ मंडी का रोड है और मंडी के रोड पर अभी फुल धक्का सिस्टम चल रहा है और रश आपके सामने रश लग रहा है। हमने अपना जानवर तो ले ही है, बकरा भी खड़ा हुआ है, बहुत रश बहुत हो गया भाई, हैवी किस्म का रश हो गया। मैं तो ऊपर आके बैठ गया भाई, नीचे तो जगह ही नहीं था। और ये हालत है कुछ पूरा कीचड़ कीचड़ में हुआ है, लेकिन खैर जानवर लेना था आखिरी दिन पे लेना था तो यही होगा। अब इससे नसीहत होगा आखिरी दिन नहीं लेंगे भाई, इस बार तो बारिश हो गया वजह से हम लोगों ने लेट लिया। मेरी वीडियो नहीं बनाना, अब तो बना रही उम्र ये भाई। यहाँ से भी 20-25 मिनट हो गए लेकिन हम लोग रश से निकल ही नहीं पा रहे, इतना रश है। फुल फाइनली यार बकरा और गाय दोनों चीज़ें आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बहुत ज़्यादा थकन हो गई, 5-6 हम लोग सुबह 11 बजे गए थे, अभी शाम के 7 बज रहे हैं, तभी जानवर वगैरह सब बाहर खड़े हैं बिल्कुल कई कीचड़ में चल चल के हालत खराब हो गई है। जिस जानवर पर आपका नसीब है वो आपको मिलना होता है, भले वो लेट मिले जो भी मिले। खैर मेरे पे अगर आप ये मुझे इग्नोर करते हैं मैं यार अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। खैर अभी नहाते धोते हैं, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको कुर्बानी वाला ब्लॉग चाहिए तो इंशाल्लाह कल भी बनाएंगे, कल ही बकरा ईद है, आज से हमारे पास चांद रहते तो कुछ ना कुछ करते हैं ब्लॉग बनाते। ठीक है मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक करिए। हाँ पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाजमी से।